Friends, welcome to English literature class. This is Gaurav. In this video, we are going to discuss Stevie Smith, her biography and important works. So let's get started. Stevie Smith, her lifespan is from 20th of September 1902 to 7th March 1971. Florence Margaret Smith was born on September 20, 1902 in Hull, England. So, जो Stevie Smith है उनका complete name जो है वो है Florence Margaret Smith, ठीक है? So, उनका जन्म 20 September 1902 को Hull, England में हुआ. Stevie Smith was a British poet and the author of 3 novels. So, वो ब्रिटिश पोएट थी और 3 नॉवेल्स इन्होंने लिखे, ठीक है. शी इज बेस्ट नोन फॉर हर पोएम्स, लेकिन उनको ज़्यादा ख्याति फेम अपनी पोएम से मिली, ना कि नॉवल से. विच वर स्लाई पिथी एंड लाइक डोरोथी पार्कर्स फिल्ड विद द पेन ऑफ बीइंग अलाइव. उनकी लिखी गई जो कविताएं हैं पोएम्स, वो काफ़ी स्लाई पिथी थी, ठीक है. स्लाई और पिथी का मीनिंग होता है कि काफ़ी उन्होंने कंसाइज, जैसे गागर में सागर भरना होता है, कि बहुत कम वर्ड्स में बहुत कुछ कह जाना, ऐसी उनकी पोएम्स हैं. और डोरोथी पार्कर के जैसे ही उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, जो कि पेन से भरी हुई हैं, कि फिल्ड विद पेन ऑफ बीइंग अलाइव, कि जिंदा रहना उनके लिए एक दर्द है, ठीक है. तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी बिल्कुल भी. तो डिस्कस करेंगे क्यों नहीं थी, क्योंकि उनका परिवार उनके पास नहीं था. सो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही वो रहती रहीं, सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही बिताई. शी वॉज ट्रामाटाइज्ड बाय द सेपरेशन फ्रॉम हर फैमिली. तो वो बहुत ज़्यादा ट्रामाटाइज्ड थी, बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर दुखी थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग हो गई थी. एंड दीज वर द कॉन्सेप्ट्स दैट मेड देयर वे इनटू हर लिटरल पोइट्री. सो इन्हीं वजह से जो उनकी कंसेप्ट है, ठीक है, इसी धारणा से उनकी पोइट्री में उनका दुख जो है देखा जा सकता है, और यही उन्होंने अपनी पोइट्री में लिखा है. तो पोइट्री के जरिए वो अपनी भावनाएं जो हैं व्यक्त करती गईं. हर फादर लेफ्ट द फैमिली टू जॉइन द सी अ नॉर्थ सी पेट्रल व्हेन शी वाज जस्ट अ यंग गर्ल. तो उनके जो फादर थे, उन्होंने सी नॉर्थ सी पेट्रल ज्वाइन किया था, और वो बहुत छोटी थी तब उस टाइम पर. तो फैमिली को छोड़ के उनके फादर जो चले गए. हर पेरेंट्स डाइवोर्स्ड व्हेन शी वाज यंग. तो उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, वो बहुत छोटी थी तब. एंड एज अ रिजल्ट शी लिव्ड विद सेवरल एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स. तो वो बहुत सारे अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रहती रही थी. तो इनकी एक आंट थी जिनके साथ उन्होंने ज़्यादा समय बिताया, जिनसे उनका बहुत प्यार था. एंड शी स्टडीड एट नॉर्दर्न कॉलेजिएट स्कूल. तो उनकी जो स्टडी थी एक नॉर्दर्न कॉलेजिएट स्कूल में हुई. शी वॉज द ऑनली टीनेजर व्हेन हर मदर डाइड. सो वो टीनेजर ही थी, छोटी उम्र की ही थी जबकि इनकी मदर की डेथ होगी. शी एंड हर सिस्टर वेंट टू लिव विद देयर स्पिंस्टर आंट. तो इनकी एक स्पिंस्टर यानी कि कुआरी आंट थी, तो उनके पास ही वो रहने लगी वो और उनकी सिस्टर. स्मिथ वॉज सिकली चाइल्ड एंड स्पेंट पोर्शंस ऑफ हर यूथ इन सैनिटेरियम वाइल रिकवरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस. स्मिथ जो थी एक सिकली चाइल्ड यानी कि बीमार रहती थी, और उन्होंने अपने जो जवानी के दिन थे वो एक सैनिटेरियम यानी कि एक हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में बिताए, जब उनको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की एक बीमारी हो गई थी. थ्रू आउट द 1940s एंड 1950s स्मिथ कंटिन्यूड टू राइट पोइट्री एंड प्रोज एट एन इनक्रेडिबल पेस. वो अपनी ही एक गति से, एक चाल से वो 1940s और 1950s में, ठीक है, अपनी पोइट्री लिखती रहीं, और उन्होंने प्रोज भी लिखी. हर थर्ड एंड फाइनल नॉवल द हॉलीडे वॉज पब्लिश इन 1949. तो उनका जो थर्ड नॉवल था द हॉलीडे, वो 1949 को पब्लिश हुआ. आफ्टर सफरिंग नर्वस ब्रेकडाउन स्मिथ सीज्ड हर सेक्रेटरियल वर्क एंड बिगिन टू राइट लेस. तो एक नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से स्मिथ जो थी एक सेक्रेटरी के रूप में काम करती थी, कहीं पर जॉब करती थी,
तो उन्होंने फिर अपना सेक्रेटरी का काम जो था बंद कर दिया, यानी कि जॉब छोड़ दी और कम लिखना शुरू कर दिया उन्होंने. स्टिल हर लेगेसी एंड रिनाउन वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड. अब धीरे धीरे उनको प्रसिद्धि मिलने लगी थी. सेल्विया प्लैथ वॉइस्ड एन एप्रिसिएशन ऑफ स्मिथ्स वर्क इन हर अर्ली 1960s. जो सेल्विया प्लैथ हैं, ये भी एक राइटर हैं, ठीक है. उन्होंने स्मिथ की प्रशंसा की थी इन अर्ली 1960s में. एंड इन 1966 स्मिथ रिसीव्ड द कॉलमॉन्टली अवार्ड फॉर पोएट्स. और 1966 में स्मिथ को ये एक अवार्ड मिला, कॉलमॉन्टली अवार्ड, ठीक है, जो एक अच्छे पोइट्स को मिलता है. इन 1971 शी सफर्ड अ ब्रेन एनसियूरियम एंड डाइड एट द एज ऑफ 68. सो इनको एक ब्रेन एनसियूरियम की एक बीमारी होगी, यानी कि दिमाग की जो नाड़ी होती है वो फूल जाती है, ऐसी इनको एक बीमारी होगी. और उसके बाद उनकी 60 ईयर्स की एज में डेथ हो गई इन 1971. एंड सेवरल पोइट्री कलेक्शंस वर रिलीज्ड पॉस्थ्यूमसली. पॉस्थ्यूमसली होता है डेथ के बाद. तो बहुत सारी जो उनकी पोइट्री कलेक्शंस थी वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई. क्रिटिक्स रिकॉग्नाइज्ड हर नॉवेल्स एज ऑटोबायोग्राफिकल एंड द सेम वॉज ट्रू फॉर हर फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री. क्रिटिक्स जो थे आलोचक, उन्होंने उनकी जो नॉवेल्स थे उनको ऑटोबायोग्राफिकल कहा है कि जो तीनों नॉवेल उन्होंने लिखे ये तीनों के तीनों ही ऑटोबायोग्राफिकल थे. एंड सेम उनकी जो पहली पोइट्री की बुक थी उसका नेम है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, जो पब्लिश हुई थी बाय केप इन 1938. केप एक पब्लिशर हैं, केप, ठीक है, वो 1938 में पब्लिश हुई थी इनकी पहली पोइट्री अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल. इनको भी क्रिटिक्स ने एक पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल बुक ही बोला है. नॉवल ऑन येलो पेपर, तो इनका जो पहला नॉवल है ऑन येलो पेपर, इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं. इसके बाद इनका सेकेंड नॉवल एंड थर्ड नॉवल, चलो ठीक है. इट इज़ हर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो पब्लिश हुआ था 1936 में, अ स्ट्रीम ऑफ इनर चैट. तो ये एक इनर चैट है, यानी कि अपने आप से उनकी बातचीत हो रही है इस नॉवल में, यानी कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, उनकी अपनी ही स्टोरी है, ठीक है. रिटन बाय पॉम्पी अ यंग वुमेन हु लिव्स इन ए नॉर्थ लंदन सबर्ब एंड वर्क्स एज अ सेक्रेटरी फॉर अ मैगजीन पब्लिशर एज स्मिथ डिड, ठीक है. तो ये एक तरह की चैट है जो पॉम्पी लिख रही है, ठीक है. पॉम्पी जो है वो करेक्टर है इस नॉवल में ऑन येलो पेपर में. वो एक यंग वीमेन है, ठीक है. वो नॉर्थ लंदन सबर्ब में एक एरिया में रहती है और एक मैगजीन पब्लिशर में एक सेक्रेटरी के रूप में काम करती है, जैसे कि स्मिथ खुद करती रही थी, ठीक है. एंड पॉम्पीज थॉट्स रन ओवर अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हर मच लव्ड आंट, एंटी सेमिटिज्म, हॉस्टाइल टू ज्यूश पीपल, द राइज ऑफ द नाजीज, हर फियांसे रेडी, कैथोलिसिज्म, सेक्स एंड डेथ, ठीक है. सो पॉम्पी की जो थॉट्स थी उसमें सब कुछ आ जाता है, जो जो उन्होंने इसमें इस नॉवल में पब्लिश किया है वो क्या क्या मेन मेन है थीम्स उसकी, उसमें ये लिखा हुआ है उन्होंने अपने आंट को, आंट के साथ उनका कितना प्यार था. एंटी सेमिटिज्म, इसका मीनिंग है हॉस्टाइल टू ज्यूइश पीपल, क्योंकि जो ज्यूइश पीपल थे उस टाइम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था उन लोगों को और उसके प्रति उन्होंने नफरत की भावना दिखाई है. तब नाजीज भी राइज कर रहे थे उस टाइम पर और अपना जो उनका फियांसे था फ्रेडी, उसके साथ उनकी जो भी झगड़ा हो गया वो अलग हो गई उनसे. और कैथोलिसिज्म जो एक धर्म है उनका, और सेक्स और डेथ के बारे में उन्होंने बात की है इस नॉवल में. सो इट्स अ सटायरिकल टोन, कंटेम्प्रेरी कॉलेक्वल लैंग्वेज एंड रन ऑन स्टाइल आर बोथ अम्यूजिंग एंड अनॉइंग. तो ये एक सेटायरिकल टोन में लिखा गया नॉवल है कि वो एक सटायर कर रही है अपनी सोसाइटी पर, और कंटेम्प्रेरी उस जो उस समय की कॉलेक्वल कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज थी कि जो उस समय लोग बोलते थे, तो वही लैंग्वेज में शो की गई है. और रन ऑन स्टाइल है, बहुत अम्यूजिंग और अनॉइंग है, यानी कि अच्छा स्टाइल उन्होंने यूज़ किया है जो बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करता है हमें और अनॉय भी करता है, ठीक है. कुछ चीज़ें अनॉय करने वाली भी हैं लेकिन फिर भी अच्छा नॉवल है.
सेकेंड नॉवल है इनका ओवर द फ्रंटियर, ठीक है। दिस नॉवल इज अबाउट क्रुएल्टी इन द वर्ल्ड प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो पहला नॉवल जो है उनका ऑन द येलो पेपर वो एंड होता है, तो साथ ही ओवर द फ्रंटियर में जो स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो ये नॉवल जो है क्रुएल्टी इन द वर्ल्ड प्रिपेयरिंग फॉर वॉर पर आधारित है, ठीक है, कि जो उन्होंने देखा उस टाइम वॉर चल रही थी और कितनी निर्दयता से लोग जो थे वो शिकार हुए इसके। इट वॉज पब्लिश इन 1938, तो ये 1938 में पब्लिश हुआ। इट वॉज स्मिथ सेकेंड नॉवल क्लोजली फॉलोइंग स्मिथ्स नॉवल ऑन येलो पेपर। सो ऑन येलो पेपर से ये कंटिन्यू होके स्टोरी जो है आगे बढ़ रही है इस नॉवल में। पॉम्पी कैसमिलस लिव्स इन लंडन विद हर बिलव्ड आंट। सो पॉम्पी जो है वो लंडन में रहती है अपनी आंट के साथ। बॉदर्ड बाय द मैनर्स ऑफ जर्मन मिलिटेरियज्म, तो बहुत दुखी है जर्मन मिलिट्री से, जो भी उन्होंने मैनर्स पैदा किया है, विपत्ति पैदा की हुई है। बॉदर टू बाय हम्बग विच कन्फ्रंट्स इट। हम्बग होती है एक तरह की हलचल जो चल रही थी उस टाइम पर, उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। बॉदर्ड मोस्ट ऑफ ऑल बाय हर होपलेस लव अफेयर विद फ्रेडी, और जो फ्रेडी उनका फियांसे था पॉम्पी का, और उससे वो बहुत ज़्यादा होपलेस थी क्योंकि जो उनका लव अफेयर था फ्रेडी के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाया। इट्स एंडिंग प्लंजेस पॉम्पी इनटू मेलंकली, सो इससे वो मेलंकली में पड़ गई, यानी कि दुखी हो गई, मेंटली टॉर्चर्ड। एंड सिक्स मंथ रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन आर प्रिस्क्राइब्ड एंड द सेवेज सिक एंड क्रॉस पॉम्पी गोज टू स्क्लॉस्टिल्जन ऑन नॉर्दर्न जर्मन बॉर्डर ओनली टू फॉल इन विद अ स्ट्रेंज बैंड ऑफ कंस्पिरेटर्स द प्लम कलर्ड मिसेस पाउंसर द एब्सेंट माइंडेड कर्नल पैक एंड द डैशिंग मेजर टॉम सेटर वेट। तो क्या होता है उसके बाद, ठीक है। सो फ्रेडी के साथ उनका लव अफेयर जो था वो एक तरह से फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है उनको। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, दुख में पड़ जाती हैं, यानी कि मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, मेलंकली में पड़ जाती हैं। सिक्स मंथ की उनको रेस्ट बोली जाती है, ठीक है। एंड रिकॉपरेशन का मीनिंग है यहाँ पर कि रिकवर करना, ओके। तो वो रिकवर कर रही होती हैं उस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा जो थी उनको प्रिस्क्राइब किया गया था कि वो किसी शांत जगह पर जाकर अपना रहें। एंड सेवेज सिक एंड क्रॉस, यानी कि बहुत ज़्यादा वो बीमार थी, सिक थी, क्रॉस थी, तो वो स्कॉलर्स, ठीक है। एंड टिल्सन एक प्लेस का नाम है जो नॉर्दर्न जर्मन बॉर्डर पर है, तो वहाँ वो चली जाती हैं, ठीक है। ओनली टू फॉल इन विद अ स्ट्रेंज बैंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर, वहाँ भी वो जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जालसाज लोग हैं, उनके जाल में फंसने के लिए वहाँ वो चली जाती हैं, यानी कि बैड लक था उनका। एंड द प्लम कलर्ड, ठीक है, प्लम जैसा कलर है मिसेस पाउंसर का, जो वहाँ एक करेक्टर है इस नॉवल में, ठीक है। और एब्सेंट माइंडेड एक पर्सन है वहाँ पर, वो है कर्नल पैक, ठीक है। और एक डैशिंग है मेजर, डैशिंग पर्सन है मेजर टॉम सेटर्ड वेट, ठीक है, जिनके साथ इनका जो आप समझ लो कि मंगनी होने वाली थी, ठीक है, जिसके साथ वो प्यार करने वाली थी, तो वो पर्सन था वो, ठीक है। उसके बाद इनका थर्ड नावल आ जाता है, दैट इज़ हॉलीडे, ठीक है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। द हॉलीडे इज सेट इन पोस्ट वार अनसर्टेनली, तो ये हॉलीडे जो था ये एक पोस्ट वॉर के समय का एक नॉवल है इनका। एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ओवर द वॉर, ओवर इंडिया, ओवर ब्रिटेन्स रूल ओवर द वर्ल्ड, ओवर लव, ओवर लाइफ, ठीक है। इन सब चीज़ों को के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। द हॉलीडे सेट इन इंग्लैंड इन 1949 एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ सीलिया हु वर्क्स इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो इसकी सेटिंग जो है नॉवल की इंग्लैंड में हुई है, जो 1949 में पब्लिश हुआ था ये नॉवल। और इसमें सीलिया जो है मेन कैरेक्टर है, उसकी स्टोरी बताई गई है, हु वर्क्स इन ए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में काम करती है। शी एंड हर कज़न, उसका कज़न है कैज, ठीक है, हु शी सीक्रेटली इज इन लव विद, गो टू स्टे विद देयर अंकल हर्बर्ट, ठीक है।
उसके कैस के साथ इसका एक मतलब प्यार है, सीक्रेटली लव करती है उसको, और वो उनको उनके जो अंकल हैं, अंकल हर्बर, उनके साथ वो हॉलिडे पर जाती है रहने के लिए, ठीक है। और अपना जो कज़न है कैस, वो भी साथ जाता है इसके। एंड दैट इज़ द रियली द स्टोरी इज़ बिट स्लो एंड देयर आर सम लॉन्ग कन्वर्सेशंस बिटवीन सीलिया एंड हर कज़न कैस। The story is a bit slow as there are some long conversations between Celia and her cousin Cass. तो इस स्टोरी में जो है हॉलीडे में लॉन्ग कन्वर्सेशन चलती हैं, तो ऐसे ही लॉन्ग कन्वर्सेशन से ये जो स्टोरी है आगे बढ़ती है, और सीलिया और उसके जो कज़न है कैस, उनके बारे में बात होती है। सीलिया इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद लव फॉर हर फ्रेंड्स, हर कोलीग्स, हर रिलेटिव्स एंड स्पेशली फॉर हर अडॉर्ड कज़न कैजमिलस। कैजमिलस भी इसका एक अडॉर्ड कज़न है, जिसको बहुत प्यार करती है, विद होम शी गोज ऑन हॉलीडे टू विजिट अंकल हर्बर्ट एंड द विकर, ठीक है। सो अंकल हर्बर द विकर, विकर मीन्स एक प्रीस्ट, एक पादरी जो चर्च के होते हैं। सो कैजमेलस जो है वो उनका कज़न ही है कैज, ठीक है, उसका स्मॉल नेम कैज है, कैजमेलस। एंड देयर दे टॉक एंडलेसली, आर्ग्यू, ईट, टेल स्टोरीज, लव एंड हेट, एंड वी इंजॉय द डिस्कशन अबाउट वट विक्ट्री मीन्स फॉर अ कंट्री। सो वो एंडलेसली टॉक करते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ों को लेकर कहानियाँ सुनाते हैं, प्यार की, हेट की, खाते पीते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं, ठीक है, और अपनी जो कंट्री है उनकी, उसकी विक्ट्री के बारे में डिस्कशन करके खुश होते हैं। एंड देयर वॉज अ रियल सेंस दैट आफ्टर द इंस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द एक्साइटमेंट ऑफ विक्ट्री। तो इन सब चीज़ों के बारे में, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो जीत की एक एक्साइटमेंट होती है, उसका वो एक्सपीरियंस जो है फील करते हैं, तो इसके बारे में है ये नॉवल द हॉलीडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो स्टीवी स्मिथ के नॉवेल्स, जो इनकी पोएट्री हैं, जो उनकी पोएम्स लिखी हैं इन्होंने, उसमें जो थीम है, एक मेन थीम आई है उनकी, वो है गॉड और डेथ की, ठीक है। तो उसके थोड़े थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। स्टीवी स्मिथ ट्रीटमेंट ऑफ हर टू मेजर थीम्स ऑफ गॉड एंड डेथ रिवील्स हर सीरियसनेस एज अ पोएट, ठीक है। तो उन्होंने दो मेजर थीम्स के बारे में लिखा हुआ है, गॉड और डेथ के बारे में, ठीक है। एंड ऑल्सो शी अर्न्ड हर रेपुटेशन एज अ राइटर ऑफ कॉमिक वर्ड्स, शी इज रादर अ सीरियस राइटर एम्प्लॉइंग अ कॉस्मिक मास्क। चाहे वो एक उन्होंने रेपुटेशन हासिल की थी एक कॉमिक वर्स के राइटर के रूप में, यानी कि उनकी पोइट्री में हम कॉमिक वर्स भी देखते हैं, ठीक है, कि खुशी वाली और हंसी खुशी वाली भी पोएम्स उन्होंने लिखी हुई हैं दुख तकलीफ़ों के अलावा, लेकिन उनका उन्होंने एक मास्क पहना था, कॉमिक मास्क पहने हुए, लेकिन वो अंदर से वो सीरियस राइटर ही थी, ठीक है। इन रिलीजन, यानी कि सीरियस राइटर होते हुए भी उन्होंने कॉमिक मास्क पहना और कुछ कॉमिक वर्सेस भी लिखी। इन रिलीजन शी प्रूव टू बी ए डाउटर, एन एथीस्ट एंड अ बिलीवर। रिलीजन में, धर्म के बारे में वो क्या बात करती हैं, वो एक डाउटर थी, यानी कि उनको डाउट था गॉड को लेकर, ठीक है, धर्म पर भी वो डाउट करती थी। एक अथीस्ट थी, अनास्तिक थी, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, और एक बिलीवर थी, ठीक है, एक बिलीव इन मतलब एक विश्वास करने वाली थी कि असल में उनको भगवान पर विश्वास था और नहीं भी, दोनों चीज़ें उन्होंने शो की हुई अपनी पोइट्री में। हर एटीट्यूड टूवर्ड डेथ द मोर कंसिस्टेंस इज नन द लेस एम्बिगुअस, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग सुसाइड। उनका जो डेथ के प्रति रवैया था, एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था, पक्का था, नन द लेस एम्बिगुअस, बहुत ज़्यादा जटिल था, और वो पर्टिकुलरली जो थी सुसाइड करना चाहती थी, यानी कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी थी और सुसाइड करना चाहती थी। फर्स्ट शी इज़ एग्नेस्टिक एंड कैन नॉट मेक अप हर माइंड, शी हैज़ फेथ इन गॉड इन होम शी डज नॉट वॉन्ट टू बिलीव। वो एग्नेस्टिक थी, एग्नेस्टिक होता है कि अथीस्ट ही होता है इसका सिनोनिम है, ठीक है, कि
जो परमात्मा में विश्वास ना करे, और अपना माइंड जो था वो बना नहीं पाई, मेकअप नहीं कर पाई अपने माइंड को कि उनका गॉड में विश्वास है या नहीं है. येट शी लूजेस फेथ इन गॉड इन हुम शी डज नॉट वॉन्ट टू बिलीव, और उनका गॉड पर विश्वास बिल्कुल उठ गया हुआ था. एंड सेकेंड शी ऑफन राइट्स पोएम्स विद कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट गॉड. सो उन्होंने गॉड को रिजेक्ट करते हुए बड़े कॉन्फिडेंस से कुछ पोएम्स लिखी थी. शी इज द एथीस्ट एक्सप्रेसिंग अप्रूवल ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजन, स्ट्रांगली अटैकिंग बोथ ऑफ कैथोलिक एंड एंग्लिकन चर्चेज. तो उन्होंने बड़े ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से रिलीजन को नकारते हुए, बड़ा स्ट्रांगली अटैक करते हुए कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चेज को, यानी कि एक धर्म है कैथोलिक और एंग्लिकन, उनको उन पर अटैक करते हुए उन्होंने पोएम्स लिखी थी. शी वेहमेंटली रिजेक्ट्स गॉड. वेहमेंटली होता है कि कम्प्लीटली वो रिजेक्ट करती हैं गॉड को और क्रिश्चियनिटी को. इन सच एथिस्टिक पोएम्स एज बींग अनट्रू एंड बट इज इफ पॉसिबली ट्रू दैन क्रूअली अनफेयर. तो उसकी मतलब कि यहाँ भी वो यही कहना चाहती हैं कि जो उनकी पोएम्स थी वो बहुत ज़्यादा एथिस्टिक पोएम्स थी, ठीक है, तो गॉड पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती. थर्ड, However, she is a believer who replaces the Christian God of eternal damnation with what she views as a more merciful God of her own making. So, एक तरफ वो गॉड को नकार रही है अपनी पोएम में, ठीक है, उन पर विश्वास नहीं कर रही, धर्म पर विश्वास नहीं कर रही, ठीक है, और जो धर्म है क्रिश्चियनिटी का, कैथोलिक और एंग्लिकन को भी नकार रही है, और एक तरफ वो अपना गॉड तैयार कर रही है जो उनका अपना कोई गॉड है, ठीक है, वो गॉड को क्रिश्चियन अपने, देखो ये वो रिप्लेसेस द क्रिश्चियन गॉड ऑफ इटर्नल डैमेशन. जो इटर्नल डैमेशन गॉड है, जो सदा ही डैमेज करने वाला है, सदा ही अभिशाप दे रहा है गॉड हमें, यानी कि वरदान नहीं दे रहा, उसको वो अपने बनाए हुए मर्सीफुल गॉड के साथ रिप्लेस करना चाहती हैं. कि वो गॉड को, वो चाहती हैं कि गॉड ऐसा हो, अपनी तरफ से वो गॉड जो है न्यू गॉड तैयार कर रही है, यानी कि ऐसी कविताओं में उन्होंने अपने लिखा गया है, यही थीम है उनकी. एंड शी ट्राइज डेस्परेटली टू क्रिएट अ गॉड फॉर हर सेल्फ इन हुम शी कैन बिलीव. तो वो डेस्परेटली वो एक ऐसा गॉड तैयार कर रही हैं जिन पर वो विश्वास कर सकें, जो मर्सीफुल हो उनके लिए. क्योंकि मैंने बताया शी वॉज नॉट हैप्पी थ्रू आउट हर लाइफ एंड शी कुड नेवर बी सेटिस्फाइड विद बिलीफ और अनबिलीफ फॉर हर गॉड हैड नाइदर डाइड और गॉन अवे. उनके लिए गॉड ना ही मरा है ना ही कहीं गया है, बट लिव्ड नेक्स्ट डोर एंड वॉज वेरी बैड नेबर. तो वो गॉड कहीं गया नहीं है, उनके नेक्स्ट डोर पर ही रहता है उनके मुताबिक, और उनका एक बैड नेबर, एक बुरा पड़ोसी है. शी टॉक टू हिम अबाउट हिज कैथलिक चर्च एंड हिज एट्रोसिटीज. एट्रोसिटीज होती है अत्याचार. तो वो गॉड के साथ बातें करती है कैथलिक चर्च के बारे में और उसके जो अत्याचार के बारे में बातें करती हैं अपनी पोएम्स में. स्मिथ इंडीड टॉक टू गॉड एज एन इन इंटीमेट एक्वेंटेंस, समटाइम्स एज अ फ्रेंड एंड समटाइम्स एज एन एनिमी. तो वो अपने जो गॉड है जो उन्होंने अपना तैयार किया हुआ है उनके साथ वो इंटीमेट एक्वेंटेंस, जो कि हमारे जान पहचान वाला कोई पर्सन होता है, जो इंटीमेट होता है हमारे काफ़ी करीब होता है, तो उसके साथ वो एज ए फ्रेंड भी बात करती हैं और एज एनिमी भी बात करती हैं, ठीक है. तो इनमें से ही आपके जो हैं MCQs तैयार हो सकते हैं अगर आप इन थीम्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट. And as she was never in good health, death naturally occupied a prominent position in her thoughts. तो वो सारी जिंदगी जो थी अच्छी हेल्थ में नहीं रही थी और डेथ जो थी उनकी थॉट्स में एक मतलब एक पक्का प्लेस डेथ ने बना लिया हुआ था कि वो चाहती थी कि वो मर जाएं. In her poetry, she longed for death to release her from life, flirted with the idea of suicide, and she wrote sadly of death in the kisses of others. तो ऐसे ही वो अपनी लाइफ से रिलीज हो जाना चाहती थी, डेथ की बाहों में यानी कि डेथ की गोद में चली जाना चाहती थी, इसलिए वो उनके मन में बार बार सुसाइड का आइडिया आता रहता था. डेथ वॉज ऑलवेज अ गॉड गॉड टू हर, प्रोवाइडिंग हर विद अ सेफली सेफ्टी वाल्व एंड डेथ कुड नॉट रिव्यूज हर टू रिलीज फ्रॉम लाइफ इफ शी कॉल्ड इट. तो यही वजह से वो डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा चाहती थी कि डेथ उनको आ जाए. क्रिटिक्स रिकॉग्नाइज हर नॉवल्स एज ऑटोबायोग्राफिकल एंड द सेम वॉज ट्रू फॉर हर फर्स्ट पोइट्री बुक जो थी अ गॉड अ गुड टाइम
was had by all, published by Cape in 1938. तो केप जो है वो पब्लिशर्स हैं और 1938 में इनकी जो पोइट्री कलेक्शन थी अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल पब्लिश हुई. तो ऐसे ही उनके ये पोएम भी ऑटोबायोग्राफिकल है जैसे मैंने पहले बताया आपको. दो स्टीवी वॉज नॉट अ नेचुरल नॉवलिस्ट शी बिगिन हर लास्ट नॉवल द हॉलीडे. तो स्टीवी जो थी उन्होंने द हॉलीडे नॉवल जो था जब शुरू किया उनका जो लास्ट नॉवल था ठीक है and which was published in 1949 after 7 years of rewriting and revisions. जो 7 साल बाद उन्होंने rewrite करके revision करके बाद में शुरू किया था the holiday novel. again her heroine Celia is a Stevie's reincarnation. reincarnation होता है एक अवतार, यानी कि जो इसकी heroine थी holidays की Celia वो Stevie का ही अपना ही अवतार है, यानी कि वही है उनका ही रूप है. बट द नॉवल वॉज नॉट सक्सेसफुल. हर ओनली बुक ऑफ पोइट्री टू अपीयर ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स वॉज मदर व्हाट इज मैन. तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है मदर व्हाट इज मैन जो 1942 में डिस्कस हुई थी. क्या तो हॉलीडे नॉवल इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इनका एवरेज ही रहा एक हिसाब से. और जो उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने जो वॉर के ईयर्स में उन्होंने लिखी थी मदर व्हाट इज मैन, तो इम्पॉर्टेंट पोएम है विच एज यूजुअल डेल्ट विद हर एक्सप्लोरेशन ऑफ हर फियर्स ऑफ बोथ डेथ एंड लाइफ. तो इसमें वो एक्सप्लोर करती हैं डेथ और लाइफ के बारे में जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था. एंड व्हेन द फ्रॉग प्रिंस एंड अदर पोएम्स अपीयर्ड इन 1966 स्टीवी वॉज कॉल्ड द मोस्ट ओरिजिनल पोएट राइटिंग इन इंग्लिश टुडे. तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोइट्री कलेक्शन थी वो थी द फ्रॉग प्रिंस एंड अदर पोएम्स जो कि 1966 में पब्लिश हुई ठीक है. और इसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुई इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो उनको मोस्ट ओरिजिनल पोएट कहा जाने लगा. द पोएम्स मेनली डील विद द मैंस रिलेशनशिप टू गॉड एंड विद डेथ. तो ये भी जो इंसान का रिलेशनशिप होता है गॉड और डेथ के साथ उसके बारे में ही आई ये पोएम्स. एंड फॉर दोज हु सफर डेथ इज फ्रीडम शी डिक्लेयर्ड एंड डेथ वॉज अ लवर टू बी एम्ब्रेस्ड मोस्ट ग्लैडली. ठीक है, जो लोग सफ़र करते हैं दुखी हैं और जिनके लिए डेथ ही फ्रीडम है कि मौत ही वो समझते हैं कि हमें आज़ाद कर देगी सारे दुखों से, तो वो खुद डिक्लेयर करती हैं ठीक है कि डेथ जो है एक लवर है जिसको एम्ब्रेस किया जाए गले लगाया जाए मोस्ट ग्लैडली बड़ी खुशी से. In 1966, Stevie Smith received the Kalamandali Award for her poetry. तो इनको ये Kalamandali Award मिला 1966 में. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका. And 2 years later, the Best Beast was issued. Best Beast भी इनकी कलेक्शन थी जो बाद में रिलीज हुई. And in November 1969, Stevie was awarded the Queen's Gold Medal for poetry. तो Stevie को the Queen's Gold Medal मिला ठीक है 1969 में पोइट्री कलेक्शन के लिए. अब इनकी जो फेमस पोइट्री कलेक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल जो 1939 में पब्लिश हुई. तो ये इनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन थी. इट एस्टैब्लिश्ड हर एज अ पोइटेस. इसकी इस पोइट्री कलेक्शन की वजह से ही इनको एज अ पोइटेस एज अ फेमस पोइटेस का दर्जा मिला. सेकेंड है मदर व्हाट इज मैन जो की पब्लिशर्स ने प्रकाशित की 1942 में. अलोन इन द वुड्स जो भी की पब्लिशर्स ने की 1947 में आई पब्लिश हुई. नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी ठीक है जो डीएसएच ने पब्लिश की थी 1957 में. द फ्रॉग प्रिंस जो लॉन्ग मैंस पब्लिश की 1966 में. इसमें 69 पोएम्स हैं इनकी ठीक है जो अनपब्लिश थी तो वो इसमें पब्लिश की गई द फ्रॉग प्रिंस में. इसके बाद इनकी द बेस्ट बीस्ट है जो लॉन्ग मैंस ने पब्लिश की 1969 में और द स्कॉर्पियन एंड अदर पोएम्स जो लॉन्ग मैंस ने पब्लिश की 1972 में. अब इनकी कुछ 2 पोएम्स हैं जो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाय स्टीवी स्मिथ. वो कौन सी है नॉट व्यूइंग बट ड्राउनिंग. सो इट इज इट्स थ्री स्टांजा पॉइम. थ्री स्टांजा की पॉइम है. इन दिस पॉइम स्टीवी डिस्क्राइब्स द इमोशनल सिचुएशन ऑफ द स्पीकर
whose true tribulations go unnoticed by all those around her. तो इस पोएम में स्टीवी जो है खुद है, ठीक है, जो खुद हैं वो अपने ही जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करके सबको बताना चाहती हैं, क्योंकि वो उस टाइम डूब रही थी अपने ही दुख में, अपनी थॉट्स में, लेकिन जो उसके अराउंड लोग थे वो उसको जान नहीं पाए. दिस पोएम स्टीवी डिस्क्राइब्स द इमोशनल सिचुएशन ऑफ द स्पीकर हुज ट्रू ट्राइबुलेशंस गो अनोटिस बाय ऑल दोज अराउंड हर. कि जो स्पीकर है इस पोएम में, उसकी जो ट्राइबुलेशंस हैं, जो दुख हैं, वो दूसरों ने अननोटिस कर दिए, कि नहीं नोटिस किया उसको, क्योंकि जो लोग उसके पास थे वो सिर्फ देख ही रहे थे उसको. उनको लग रहा था वो पर्सन जो है, जो डूब रहा है, वो सिर्फ डूब नहीं रहा, वो हमें वेव कर रहा है, हाथ हिला के हमें बता रहा है. द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट देयर इज अ डेड मैन हु इज नॉट रियली डेड. पोएम ऐसे शुरू होती है, स्पीकर जो है वो ये कहता है कि एक डेड मैन है जो कि डेड नहीं है रियली, एंड ही इज़ नॉट डेड इन दैट हिज स्टोरी हैज़ मोर टू ऑफर टू द वर्ल्ड. वो अभी डेड नहीं हुआ है, मरा नहीं है, बहुत कुछ कहना चाहता है वर्ल्ड को. हिज डेथ केम एट अपैथी एंड निगलेक्ट, ठीक है, और उसकी जो डेथ है वो अपैथी और निगलेक्ट है, कि उसकी डेथ को लोगों ने निगलेक्ट किया है, यानी कि इग्नोर कर दिया उसकी डेथ को, उसकी फीलिंग नहीं समझ पाए लोग. द स्पीकर नोज दिस टू बी ट्रू एज ही इज स्ट्रगलिंग इन द ओशन वाटर्स एंड नो वन रियलाइजेस. तो स्पीकर जानता है कि वो कितना सच्चा है और कितनी स्ट्रगल कर रहा है इस ओशन वाटर में, और कोई भी ये रियलाइज नहीं कर पाता, कोई भी ये जान नहीं पाता. एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट सम वंस अटेंशन बट ऑल द ऑन लुकर्स बिलीव दैट ही इज़ वीविंग रादर दैन ड्रॉनिंग. तो वो दूसरों की अटेंशन हासिल करना चाहता है पर्सन जो डूब रहा है, लेकिन जो ऑन लुकर्स हैं, जो देख रहे हैं उसको, उनको यही लगता है कि वो वेव कर रहा है, हमें डूब नहीं रहा, वो वेव करके हाथ हिला के बता रहा है रादर दैन ड्रॉनिंग, कि वो डूब नहीं रहा वो पर्सन. तो ऐसी ये पोएम है, नॉट वेविंग बट ड्रॉनिंग. और ये एक सेकेंड पोएम है, कम ऑन कम बैक, ठीक है, ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है. एंड विद वेरी लिटिल राइम इट टेल्स अबाउट द इवेंट्स टेक प्लेस इन द फ्यूचर डिस्क्राइबिंग दैट द बैटल हैज कंक्लूडेड ऑन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलिट्स सेज रिपब्लिक लीविंग बिहाइंड वन सोल्जर नेम्ड वॉचवे सर्वाइविंग, ठीक है. तो ये एक बहुत लिटिल राइम की पोएम, यानी कि ये फ्री वर्स है, थोड़ी सी राइम है इसमें, और ये पोएम जो है हमें बताती है जो इवेंट्स फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, कि बैटल जो है कंक्लूड हो गई है, एंड हो गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिट्स फील्ड में सेज रिपब्लिक में हुई है, और एक सोल्जर जो है इस फील्ड में, इस युद्ध में बच गया है. उस सोल्जर का नेम है वोजवी, ठीक है, वोजवी, वो सर्वाइव कर रहा है, वो बच गया है. तो इसके रिगार्डिंग ये पोएम है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो सारी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, और सारे जो मेन मैंने डिस्कस किया है पॉइंट, सबको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.